नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की योगाहार की जूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। योगाहार यानी आहार का इंजीनियरिंग। हम यहाँ शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखे इसके ऊपर तो बात करते ही है, लेकिन शरीर के साथ हमारा जीवन भी कैसे आनंद जीवन में आनंद रहे, सुख रहे, शांति रहे। और भगवान ने हमको जब जन्म दिया है तो ये जन्म हम कैसे सफलतापूर्वक जिए, लोगों के लिए कैसे जिए, अपने खुद के लिए कैसे जिए, ये सारी बातें हम यहाँ चर्चा में लेते हैं। तो जीवन में आनंद चाहिए तो पहला सुख अपना शरीर का होना चाहिए। आपके शरीर में बीमारी होगी, आपके मन में गलत बातें होगी, क्योंकि सोच भी गलत होगी तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। आपकी गलत सोच के कारण आप तो दुखी होगे ही, लेकिन आपकी फैमिली भी परेशान रहेगी और आपकी फैमिली आपके वजह टेंशन में रह सकती है और दूसरी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो हमको हमारे तन के साथ हमारे मन को भी स्वस्थ रखना है। तन को स्वस्थ रखने के लिए सही खुराक चाहिए। तो योगाहार में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं आहार का इंजीनियरिंग, कौन सा खुराक आपके शरीर में क्या काम करता है आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं है तब तक आप जो शरीर को उपयोगी है वो खुराक देगे नहीं, जो शरीर को नुकसान करने वाला है वो भी आप खाते रहोगे। खुराक खाने का तरीका आपको पता नहीं होगा, क्या खाए, कब खाए, कैसे खाए, कौन सा खुराक शरीर में कैलोरी देता है, कौन सा खुराक शरीर में न्यूट्रिशन देता है, कौन सा खुराक हमारे खून को सही नेचुरल खून बनाता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं, ये सारी बातें आपको जब तक पता नहीं होगी तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, दुनिया में कैसे जिए, कपड़े कैसे पहने, लोगों के साथ कैसे बात करें, बिजनेस कैसे करें, धंधा कैसे करें, नौकरी कैसे करनी है, ये सारी ये गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, मोबाइल कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप को कैसे यूज करना है, तो ये सारी बातें सीख लेते हैं। लेकिन तन और मन को सही तरह चलाने का नहीं हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, नहीं घर में उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होती है। तो आपकी जो फैमिली है उसके अंदर ये सारी बातें की चर्चा होनी चाहिए। आपको व्हाट्सएप सही तरह यूज करना नहीं आता है तो आप अपने बच्चों को पूछते हो या जो पढ़े लिखे उसको बोलते हो कि मुझे ये सिखाओ कैसे करना है, तो उसके लिए आपको सीखने की शर्म नहीं है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए पूछने में शर्म क्यों रखनी चाहिए। घर में वो भी चर्चा होनी चाहिए, संयुक्त साथ में बैठ के भी हम ये खा रहे थे इससे क्या क्या होता है, कौन सा खुराक क्या काम करता है शरीर में जाके, खुराक को किस तरह लेना चाहिए, आपने जो भी नई आइटम बनाई है खाने पीने की तो वो आपके लिए सही है या गलत है, इसमें फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ये चर्चा करनी चाहिए आपको। आप चर्चा चर्चा करोगे ना तो इससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसको पता नहीं है उसको भी पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, बीमारी नहीं आए इसके लिए पहले तो आपको ये तय करना है कि आपका शरीर जो है वो शाकाहारी है। भगवान ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं उसके लिए खुराक भी तय किया हुआ है।
पत्ती, सब्जी, फल, कंदमूल, अनाज, दाल, ड्राई फ्रूट्स, ये हमारे खुराक है। इसके साथ खुराक खाने का तरीका भी भगवान ने बताया हुआ है कि हर शाकाहारी प्राणी चबा चबा के ही खाता है। आपको भी चबा के खाना कंपलसरी है, और आपको चबा के खाने का टाइम नहीं है तो ऐसा खुराक ही मत खाइए जिसको चबाने की जरूरत पड़े। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं और बेसिक बातें हैं, इसमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब दांत भी नहीं है, मान लो उम्र हो गई है, दांत नहीं है चबाने की, अब ताकत ही नहीं बची है, तो फिर आपको ऐसा ही खुराक खाना चाहिए इसको चबाने की जरूरत न पड़े। और खुराक भी वैसे खाना चाहिए कि भले दांत नहीं है मुंह में, लेकिन मुंह में सलाइवा तो आती है, मुंह में पानी तो आता है, लार तो बनती है ना, तो लार भी तो साथ में जानी चाहिए। दांत नहीं है, लार बनाने ना तो बंद हो नहीं गया, लार तो बनती रहती है, वो तो आप जियोगे इतने साल, मुंह में लार तो बनेगी ही। अब उसके लिए लार तो आपके मुंह में ही पैदा होगी, लार के बोतल बाजार से नहीं मिलेगी भी, लाओ ले लिया, पी लिया बोतल खोल के और मुंह में भेज दिया, ये नहीं होगा। तो भूतकाल में गलतियां की, दांत संभाल नहीं पाए है, कोई बात नहीं, जो जो भूत हो गया है, भूतकाल हो गया है, पास्ट है, उसको भूल जाओ, लेकिन वर्तमान और भविष्य उसको देखते रहो। अब आगे क्या करना है, अब वो सुधारो। तो छोटी गलतियां, छोटी गलतियां मैं आपको यहां शेयर करता हूं स्क्रीन की, भी क्या क्या गलतियां हम करते हैं। तो गलतियां सिंपल सी है कि जब हम चबा के नहीं खाते हैं तो जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, बिना चबाए खाना खुराक जठर में से जब छोटी आंत में जाता है तो वो कॉन्स्टिपेशन करता है, और कॉन्स्टिपेशन ही सारी बीमारी की जड़ है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम पका हुआ खुराक तीनों टाइम खाते हैं, तो पका हुआ जो खुराक है वो एसिडिक हो जाता है। शाकाहारी प्राणी का खून आप चेक करो उसकी पीएच वैल्यू, तो वो अल्कलाइन ही मिलेगी और अल्कलाइन रहनी चाहिए, लेकिन जब आप तीनों टाइम पकाया खाते हो तो एसिड बन जाता है, तो वो भी बीमारी की जड़ है। और तीसरा, जब पकाया खुराक आप खाते हो तो पकाए खुराक में पोषक तत्व ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं। तो पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं तो आपके शरीर में ढेर सारी सिस्टम जो काम कर रही है उसको मेंटेनेंस के लिए खुराक कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये तीन कारण मेन है, बिना चबाए खाना, तीनों टाइम पकाया खाना और पोषक तत्वों का अभाव। तो क्या करो, सफाई रखो, आपकी आंतों की सफाई होनी चाहिए, आपकी खून की भी सफाई होती रहनी चाहिए। आपकी खून की सफाई के लिए 24 में से 16 घंटा इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, 8 घंटे के बीच में ही खाओ। मान लो आप 10 बजे खा रहे हो सुबह में, तो 10 में दूसरे और 8 घंटा ऐड करो तो राम शाम को 6 बजे, तो 10 से 6 बजे तक आप खाइए, इसके बीच में खाइए, 6 बज गए फिर दूसरे दिन 10 बजे तक खाना छोड़ दो, तो आपकी बॉडी की इंटरनल सफाई होती रहेगी। अच्छा, आप जो भी भोजन कर रहे हो उसको आप कच्चा ही खाओ, आधा से ज्यादा कच्चा खाओ, आधा से कम पकाया खाओ, चबा चबा के खाओ। अच्छा, जो बीमार है वो लोग आंतों की सफाई के लिए, बड़ी आंत की सफाई के लिए एनिमा का प्रयोग करे, छोटी आंत के लिए त्रिफला लिया करे, या तो मलशुद्धि, ज्यादा सफाई करने के लिए मलशुद्धि भी अवेलेबल होता है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज वाले लोग हृदय अमृत टॉनिक जैसे लिक्विड का भी प्रयोग करें, और शरीर में ओवरऑल क्लिंजिंग डिटॉक्स करना है तो खट्टे फल ज्यादा खाए। तो ये बॉडी की सफाई के लिए है। खुराक में आपको क्या ध्यान रखना है, तो खुराक कम से कम चार प्रकार का होना चाहिए। पहला, आपके शरीर में न्यूट्रिशन दे, दूसरा आपके शरीर में कैलोरी दे, तीसरा
आपके शरीर में कामदार यानी कि आपका खून नेचुरल है, क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो शरीर में पांचों तत्वों को मैनेजमेंट करता है, तो उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। चौथा, आपके शरीर में इकट्ठा हुआ कचरा निकाले वैसा खुराक भी होना चाहिए। तो ये सब प्रकार के खुराक है वो आपको लेने चाहिए, साथ साथ में अल्कलाइन भी होना चाहिए। तो बिना पकाया खुराक जो है, जो खट्टा नहीं है वो अल्कलाइन है, जो खट्टे है वो एसिड है। तो ये भी ध्यान रहे कि कच्चे में भी खट्टा होता है वो एसिड होता है, तो जिसको बॉडी डिटॉक्स करना है वो खट्टा खाए, लेकिन शरीर में से कचरा निकालना नहीं है वो लोग को ज्यादा खट्टा खाने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन कहाँ से बनेगा, तो जो हरी पत्ती खाएगा उसका हरा रंग जो है क्लोरोफिल, वो शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनेगा, तो वो पांचों तत्वों का मैनेजमेंट करेगा। आप जो स्वाद खाते हो वो भी काम करते हैं। मान लो आपने मीठी चीज खाई कोई, तो ये मीठी चीज क्या करती है, कैलोरी देती है, ताकत देती है, वजन बढ़ाती है, और ज्यादा खाने से कफ करता है। अच्छा, खट्टा क्या करता है, तो शरीर में से कचरा निकालता है, बॉडी डिटॉक्स करता है। जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं उनके खून में कचरा ज्यादा निकलता है, तो वायु प्रकृति बढ़ती है, खून में वायु बढ़ाने वाले बैक्टीरिया के कारण वायु बढ़ता है, इस वो खट्टे का काम है, खट्टा वजन भी कम करता है। तीखा क्या करता है, तो तीखा नहीं ताकत देता है, नहीं न्यूट्रिशन देता है, उसका एक ही काम है मुंह में पानी लाना, ज्यादा खाने से शरीर में पित्त बढ़ाता है। तो मीठी कफ करती है, तीखी पित्त करती है, खट्टी खून में वायु बढ़ाती है। तो कब पित्त और वायु, ये तीन प्रकृति कब अनबैलेंस होती है, जब आप कोई स्वाद का ज्यादा प्रयोग करते हो। अच्छा, कड़वे का काम है वायरस को कंट्रोल करना, किसी भी प्रकार के वायरस, इसको आप कड़वे रस से मार सकते हो। तो कड़वा तभी खाना चाहिए जब आपके शरीर में वायरस बढ़ गए हो, इसके अलावा नहीं खाने चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। यहाँ आपको चित्र में दिखा रहा हूं मैं कि भी सफाई कहाँ, तो आपकी आंतों की सफाई एनिमा से, देखो एनिमा से किया करो, 6 से 8 घंटे सुबह में उठ के दोपहर तक उपवास करो, तो ये आपकी आंत खून की सफाई के लिए लंगनम परम औषधि। अच्छा, जब तक आपको भूख नहीं है तब तक खाओ नहीं, तो भूख तभी लगेगी, शरीर आपका साफ हो जाएगा और आपको खुराक की जरूरत पड़ेगी, तो सफाई हो जाएगी तब तक सही भूख लगेगी। सही खुराक खाइए, तो पत्ती सब्जी फल कंदमूल अनाज दाल ड्राई फ्रूट्स वो सब खाने हैं, लेकिन उसको रॉ फॉर्म में खाइए। मान लो आपको मूंग खाने हैं तो उसको अंकुरित करके खाइए, तो अंकुरित मूंग खाओगे तो अल्कलाइन रहेगा, लेकिन वही मूंग को आप कुकर में डालो और गरम कर लो, पका लो, तो वह एसिड बन जाएगा। तो ध्यान रहे खाने का तरीका का, ध्यान रहे कि आपको चबा चबा के ही खाना है। पकाया हुआ खुराक एसिड बनता है, तो आधा से कम पकाया खाओ। जो वजन वाला है, पानी में डालने से नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे खुराक को ही पका के खाना चाहिए। जैसे अनाज है, तो अनाज सीधा कच्चा नहीं खा सकते, तो उसको पका के खाओ, लेकिन एक ही बार खाओ, तीनों टाइम मत खाइए। जंतुनाशक से बचने के लिए उसको गर्म मत करो, जो सब्जी जंतुनाशक से पकती है उसको आप उबालते हो तो वो जंतुनाशक और ज्यादा जहरीला बन जाता है, तो इसका नुकसान ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए भी हो सके इतनी सब्जी फल कच्चा ही खाओ, गर्म कर मत करो। एनिमल प्रोडक्ट्स जो बीमार है उसके लिए नुकसानकारक है, जो बीमार नहीं है वो एनिमल प्रोडक्ट खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रहे जो बीमार नहीं है वो दूध चाय कॉफी मत खाए, इसकी जगह दही और मक्खन आप खा सकते हो। तो ये दैनिक दिनचर्या में आप देखिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप बीमार है तो सुबह में टॉयलेट करने के बाद एनिमा ले लीजिए, सुबह में योगा न करे तो दोपहर तक उपवास करो, दोपहर से शाम तक कच्चा खाओ, आधा से ज्यादा कच्चा, आधा से कम पकाया। इसमें हरी पत्ती शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देती है, हरी पत्ती क्लोरोफिल देती है जो हीमोग्लोबिन बनाती है।
तो वो सबसे ज्यादा खाइए। रात का खाना पकाया एक बार खाओ, बीमार है तो छोड़ दो, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। और आपको धीरे धीरे ठीक होना है तो पकाया एक बार खाइए, लेकिन इसमें जो अनाज है वो गेहूं चावल मत खाइए। जो बीमार है वो गेहूं चावल ना खाए, इसकी जगह लिटल मिलेट खाए। और लिटल मिलेट शाम को खाना है तो दोपहर को पका दो। चावल पकाते हो, खिचड़ी पका, तो इसी तरह पक जाने के बाद उसको ठंडा करने के लिए छन्नी ढक के रखो, जल्दी ठंडा हो जाए। हो जाने के बाद तुरंत इसमें 1-2 चम्मच दही डाल के मिक्स करके छोड़ के रखो और रात को उसको ठंडा खाओ। और इसके साथ आप बिना कुकर में पकाई हुई सब्जी, चटनी, अचार वो सब खा सकते हो। बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट ना ले, ठीक है? तो स्वास्थ्य के लिए 5 प्रतिज्ञा आपको ध्यान में रखनी है। हर रोज प्रतिज्ञा लो, सुबह में योगा नहीं करता हूं तो सुबह में उपवास करूंगा। आपको सुबह में नाश्ता करना है तो पहले 1.5-2 घंटा आपको एक्सरसाइज, योगा आसन करना चाहिए, पसीना निकालना चाहिए, फिर खाना चाहिए। दूसरी प्रतिज्ञा लो कि मैं योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं करूंगा और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। तीसरी आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं हरी पत्ती हर रोज, बीमार हो या ना हो, उसके जूस, उसके चटनी के साथ खाऊंगा। आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। चौथी प्रतिज्ञा आपको लेनी है, वजन बढ़ा के, मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। आप मोटे हो तो जो है इससे बढ़ना नहीं चाहिए, उसको कम करने के प्रयत्न में लग जाओ। जो दुबले पतले है वो मीडियम हो जाए तब तक बढ़ाए, लेकिन जो मोटे है उसको तो प्रतिज्ञा करने में, मेरा अभी जो है इससे मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं, हर रोज उसको कम करूंगा। तो वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और लास्ट प्रतिज्ञा ये लेनी है कि मैं बीमार रह के या व्यसन करके मेरे परिवार और मेरे देश पे मैं बोझ नहीं बनूंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा आपको हर रोज लेनी चाहिए। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी यूट्यूब चैनल है योगाहार की, नेचुरल डाइट सिस्टम, वहां जाइए। जो लोग योग टीचर है वो लोग ये यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पूरा कोर्स योगाहार का, हिंदी में भी प्लेलिस्ट है, गुजराती में भी है, और गुजरात राज्य योग बोर्ड में जिन हमने जो योग क्लिनिक के लिए करीब 1,000 योग टीचरों को जो तालीम दी थी उसके वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप ये सारे वीडियो जब भी टाइम मिले तब आप देखिए, इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी, इसके पीछे का लॉजिक और साइंस पता चलेगा, ठीक है? तो ये छोटी बातें आपको सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। और आपको ये सारी बातें जब पता रहेगी कि भी कौन सा खुराक शरीर में क्या करता है, जो खुराक पानी में तैरता हो वो शरीर में न्यूट्रिशन देता है, जो वजनदार है पानी में बैठता है वो न्यूट्रिशन कम देता है और कैलोरी ज्यादा देता है, जो खुराक में कार्बोहाइड्रेट से यानी कि मीठे फल है, चीनी है, शक्कर है, गन्ने का रस है, तो जितनी मीठी चीजें हैं वो सारा कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कैलोरी देते हैं। अच्छा, जो खुराक खट्टे हैं वो शरीर का वजन कम करते हैं, शरीर को डिटॉक्स करते हैं। जो तीखे हैं वो मुंह में पानी लाते हैं और पित्त बढ़ाते हैं। तो मीठा कफ करता है, वजन बढ़ाता है, खट्टा वजन कम करता है, वायु प्रकृति करता है, तीखा मुंह में पानी लाता है और पित्त बढ़ाता है। तो एक खट्टा तीखा मीठा यही बीमारी के पीछे सबसे बड़ी जड़ है। कफ पित्त वायु जो बनाए वही तो शरीर में बीमारी लाता है, तो ये ध्यान रहे। अच्छा, आपको दूसरा ये बात ध्यान रखना है कि लंगनम परम औषधि, आपको गला पकड़ा, बुखार आया, सर्दी जुकाम हो गया, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि भी खून में कचरा बढ़ गया है इसीलिए वायरस बढ़ गए हैं शरीर में, तो ये वायरस को मारने के लिए आप एंटीबायोटिक मत लीजिए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करती है, आपके शरीर के खून में जाके वायरस को बाद में मारेगा, लेकिन वो एंटीबायोटिक पहले क्या करेगा, आपके जठर में जाएगा, जठर से छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत में रहे हुए
जो गट बैक्टीरिया है, जिसको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमारे शरीर में विटामिन्स बनाने का काम करते हैं। पहले उसको आप मारते हो, फिर बाद में आपके बीमारी के वायरस को मारते हो। तो ये गट बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारी आंतों में से जब मर जाते हैं, तब आपके शरीर में विटामिन्स बनना बंद हो जाता है। और विटामिन्स एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो खुराक में ज्यादातर मिलता ही नहीं। विटामिन B12 जैसी कमियां शरीर में इसीलिए आते हैं कि हम चने ममड़े की तरह एंटीबायोटिक को खाते हैं। तो बीमारी आती है तो एंटीबायोटिक मत खाइए, आप आपकी आंतों की सफाई करो, एनिमा ले लो और पूरा दिन उपवास करो। हो सकता है तो निर्जला कर लो, निर्जला नहीं कर सकते हो तो दिन में 2-3 घंटे के अंतराल में एनिमा लेते रहिए, तो आप आराम से निर्जला कर पाओगे और दूसरा शाम तक आप ठीक हो जाओगे। बिना एंटीबायोटिक आपका वायरल इन्फेक्शन कम हो जाए। मान लो ज्यादा हो गया है तो आप 1 या 2 दिन कड़वे पत्ते का रस लीजिए। एंटीबायोटिक लेने से अच्छा है कड़वे पत्ते का रस, तो इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो एंटीबायोटिक ये हमारे शरीर में बहुत बड़ा दुश्मन है, वो विटामिन्स की कमियां करता है। और हजारों प्रकार के विटामिन जो साइंटिस्टों ने उसको रिसर्च भी कर नहीं पाए है, उसको ढूंढ भी नहीं पाए है, इतने प्रकार के विटामिन्स हमारे शरीर में खुद शरीर खुद बनाता है। तो ये आपको उसको बनाए रखना है। और विटामिन बनाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, और अच्छे बैक्टीरिया के लिए डेयरी प्रोडक्ट में भगवान कृष्ण ने हमको दही खाने के लिए बताया है। और उनकी जो लीलाएं थी, वो लीलाएं में आप देखिए, दही और मक्खन की ही लीला भगवान ने बताई है, दूध की और घी की कहीं बात भगवान कृष्ण ने नहीं बताई है। दही और मक्खन, आप घी खाओ इससे अच्छा है मक्खन खाओ, आप दूध खा रहे हो इससे अच्छा है दही खाओ। क्यों? क्योंकि दूध जो होता है वो जब छोटे बच्चे के पेट में जाता है तो इमीजिएट वो दूध रहता नहीं, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है इमीजिएट। आप देखो, कोई भी बच्चे बच्चे को दूध ज्यादा पिलाओ, मान लो उनके पेट में गड़बड़ है और वो वॉमिट करेगा, उल्टी करेगा, तो वो दूध नहीं निकलेगा, वो दही के फोदे ही बाहर आएगी, दही के फोदे होके बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध जैसे पेट में गया तुरंत वो दही बन जाता है। और बच्चे की जगह आप कोई बड़ी व्यक्ति को दूध पिलाओ, ज्यादा दूध पिला रहो और वो वॉमिट करेगा, उल्टी करेगा, तो वो दूध ही बाहर आएगा, दही आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान ने छोटे बच्चों के पेट में दूध को दही में कन्वर्ट करने की बहुत ज्यादा ताकत दी है। और दूध अंदर जाके दूध रहता ही नहीं है, वो दही ही बन जाता है, फिर शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये छोटी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए बड़े लोग जो है, 5 साल से बड़ी उम्र वाले लोगों को बीमारी में तो दूध पीना छोड़ देना चाहिए। बीमारी नहीं है तो पियो, कोई दिक्कत नहीं, और पीना है तो कम से कम देसी गाय का पियो, भैंस का मत पियो, भैंस के दूध को बच्चों को मत पिलाओ। आप रास्ते पे जा रहे हो, बीच रास्ता छोटा है, आपका गाड़ी के लिए आपको चाहिए रास्ता चाहिए, अब पीछे से आप हॉर्न लगाओ, आगे मान लो गाय जा रही है, आप हॉर्न लगाओगे ना तो गाय आपको साइड दे देगी, लेकिन भैंस जाती होगी ना तो आपको साइड नहीं देगी। कितने भी हॉर्न लगाओ, अब जो बच्चे भैंस का दूध पीते हैं वो क्या साइड देंगे? वो भैंस जैसे हो जाएंगे। आपके बच्चे को भैंस जैसे बनाना है या गाय जैसे बनाना है, वो आपको तय करना है। कोई कोई बोलेगा नहीं कि आपको क्या खिलाना चाहिए। ये भैंस आई कहाँ से हमको तो पता ही नहीं है, हमारे देश में तो गाय ही थी, ये रामायण महाभारत के काल से गाय ही चलती आई है, लेकिन भैंस आई कहाँ से? तो ये मुगल शासन के बाद ही आई है, इससे पहले भैंसे थे ही नहीं। तो हमको ये ध्यान रखना है कौन से प्राणी का दूध भी
उसका दही कौन सा खाना चाहिए, किसका मक्खन खाना चाहिए, ये भी हमको पता नहीं है। तो कृपया करके ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें। अब हम यहाँ कई लोगों ने अपने हैंड रेज करके रखे हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी ले 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 लेते हैं, क्योंकि हर बार टाइम बहुत कम मिलता है। 10 मिनट है हमारे पास अब। तो ये पीएम नाम करके है, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, पहले मैं सबको अनम्यूट कर लेता हूँ, अरे सबको म्यूट कर लेता हूँ, फिर एक एक करके मैं बोलूंगा। बोलिए आपको। हाँ बोलो सर। हाँ जी नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश परमार है और एट प्रेजेंट मैं अभी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे हूँ और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में हूँ। अच्छा बढ़िया। और उसको उनको पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। ऐसे बेसिकली मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ, आपकी जो एनडीएस की संस्था डपनाला साहिबाग में है वहां पे मैं कई बार आ चुका हूँ मैं। अच्छा बढ़िया। और आपको भी मैं जानता हूँ सर ऐसे। अच्छा सर मेरा एक प्रश्न है कि मैं 2011-12 में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, उस टाइम मेरे को गले में एक थायराइड का प्रॉब्लम हो गया था अभी, और उस टाइम से आज तक मैंने क्या नाम हाइपर थायराइडिज्म मेरे को है, तो उसकी वजह से मैं एक नियो मरकाजोल 10 mg करके दवाई भी खा रहा हूँ। तो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे मैंने एक थायराइड का टेस्ट करवाया था, तो उसमें T3, T4 और TSH का लेवल मैंने चेक करवाया था, तो उसमें T3 और T4 तो उसका वैल्यू है नॉर्मल है, लेकिन जो TSH है, TSH का वैल्यू 18.64 आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है। तो उसकी वजह से मुझे अभी क्या नाम जो मेरी हार्ट रेट है उसको थोड़ा अप डाउन हो रहा है और ECG भी नॉर्मल नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूं, आपका जो एक हार्ट टॉनिक है वो भी मैं लाके मेरे पास रखा हूं, लेकिन मैं सोचा कि एक बार आपसे मीटिंग से एक बार सलाह मशवरा कर लेता हूं, उसके बाद फिर उसको मैं चालू करूं। जब भी आप अहमदाबाद में आओ तो एक बार पर्सनली आ जाना, लेकिन आपको मैं यहाँ से थोड़ी गाइडेंस दे देता हूँ। देखो कि थायराइड ग्रंथि को काम करना है, क्योंकि भगवान ने उसको बनाया है कोई स्पेशल पर्पस से। हमारे शरीर में जितनी भी ऑर्गेन बनाए हैं भगवान ने, वो उसको स्पेशल कोई काम दिया हुआ है। तो हर ऑर्गेन को सही काम करने के लिए उसके मसल सही तरह से काम करने चाहिए, उसके साथ जुड़ी हुई चेता तंत्र काम करनी चाहिए, और जो ऑर्गेन के स्पेयर पार्ट है वो जो मांस मस्सा है मज्जा है वो सब सही तरह काम करते रहने चाहिए, उसको सही खून मिलता रहना चाहिए। हमारे शरीर में क्या होता है कि हम गलत डाइट करते हैं, जैसे कि हम तेल को गरम करके खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं, तड़का लगा के खाते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि मूंगफली का जो दाने होते हैं, जिसको हम मूंगफली के सिंग दाने बोलते हैं, वो सिंग दाने को जब हम गरम करते हैं, सेकते हैं, रोस्ट करते हैं, तो वो मूंगफली के दाने के अंदर जो तेल है, चर्बी है, उसका बंधारण हार्ड हो जाता है, उसकी डेंसिटी बदल जाती है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है कि शरीर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, फिर वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज और सब कुछ बढ़ाने लगता है। तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, जब शरीर उसको यूटिलाइज कर सके ऐसे फॉर्म में। और ये जब हम ऐसे गरम करके तेल खाते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल खून में तो चला जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म नालियों में से जब पसार होता है तो वहाँ ब्लॉकेज और क्लॉटिंग कर लेता है, फिर वो खून का सप्लाई हर अपने जो ऑर्गेन को सही मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो सेकी हुई सींग हर रोज खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक ला सकता है। तो हमको ऐसा तेल खाना चाहिए जो गर्म किए बिना, मान लो आप मूंगफली के दाने हैं उसको सेको मत, लेकिन उसको पूरी रात पानी में भिगो के खाओ, तो वो आपका जो तेल है वो शरीर में सही काम करेगा, शरीर को उसको सही इस्तेमाल भी करेगा, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ेगा नहीं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। इसी तरह हमारे शरीर में खून भी अच्छा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो नेचुरल खून के लिए आपको हरी पत्ती, उसकी चटनी या तो जूस टेस्टी बना के पिया करो। साथ साथ में आपके शरीर में न्यूट्रिशन तो पत्तियों में से मिल जाएंगे,
लेकिन जो विटामिन है वो विटामिन भी कम ना हो जाने चाहिए। तो उसके लिए आपको अनाज के साथ लिटल मिलेट के साथ आपको दही खाना चाहिए। तो ये दही के बैक्टीरिया जो है वो विटामिन बनाएंगे, हरी पत्तियों का हरा रंग जो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाएगा जो पांचों तत्वों को मैनेज करेगा, और पत्तियों में से आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। साथ साथ में आप कोई थोड़ी खट्टी चीज भी खाओगे तो खट्टी का काम है आपके थायराइड ग्रंथि में जहाँ कचरा इकट्ठा हो गया है उसको क्लींज करना, उसको तोड़ना, ठीक है। तो थोड़े दिन आप खट्टा फल के जूस भी पियो तो इससे सफाई हो जाएगी। हरी पत्ती भी खाइए तो न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, हीमोग्लोबिन नया बन जाएगा, और दही के साथ आप फर्मेंटेशन करके लिटिल मिलेट खाइए तो इससे आपको विटामिन्स भी मिल जाएंगे। तो आपके थायराइड में जहाँ गलती गड़बड़ी है, कचरा है, वो निकल जाएगा। प्रोडक्शन जो 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 थायरोक्सिन जो बनाना है लिक्विड उसको, तो उसके लिए रॉ मटेरियल सही मिल जाएगा और उसके जो सेल है प्रोडक्शन करने वाले वो सही तरह काम करने लग जाएगा। तो और साथ साथ में ये भी ध्यान रहे कि हमारा जो जितना खुराक मुंह से जाता है वो खुराक जितनी हमारी मुंह की सलाइवा भी साथ में जानी चाहिए, क्योंकि सलाइवा जाएगी तभी वो सही तरह कन्वर्जन होगा, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो ये सब बातों का ध्यान रख के आप प्रयोग करोगे तो मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे आपकी थायराइड की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ साथ में थायराइड को अच्छा करने के लिए योगा के अंदर उज्जय प्राणायाम बताया है, तो उसका भी आप प्रयोग किया करो साथ साथ में, ठीक है। तो इससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो हमको जहां जहां से फायदा मिलते हैं, जितने सोर्स है कि भाई उज्जय प्राणायाम है, खट्टे फल है, हरी पत्ती है, बैक्टीरिया के लिए दही है, तो और अनाज आप तेल जो है तो फिल्टर या तो कच्ची घानी का तेल का प्रयोग करो, उसका तड़का मत लगाओ, ठीक है। तो ये सब चारों साइड से अच्छी अच्छी इनपुट्स बढ़ जाएंगे बॉडी में, तो फिर धीरे धीरे आपकी समस्या में से बाहर आ जाओगे। नहीं एक्चुअली क्या है सर कि मैं इधर हम लोग मिलिट्री में है सर, ठीक है। इसकी वजह से हमारा खाना सुबह नाश्ता दोपहर का खाना और शाम का खाना वो क्या है कि मेस में बनता है, ठीक है। ठीक है, तो फिर भी आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है कि भी कैलोरी के लिए क्या करना है, आपको मेस में जो पकता है ना वो इसमें सब्जी ज्यादा खाओ। सब्जी के साथ आपको दही नहीं मिलता है तो दही आप अपना ही लेके जाओ और दही लेके उसके साथ खाया करो। अच्छा आप हरी पत्तियों का इस्तेमाल करो, वो आपको वहां कैंटीन में नहीं मिल रहा है तो आप हरी पत्तियों का पाउडर या उसकी गोली वो आप लेते रहिए, या घर पे है तो घर पे जूस बना के पिया करो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वो था क्या नाम, सरगवा की पत्ती, आपने सरगवा नो पाउडर कहिए छे ने पण હું પીઉ છું અને કઈ વાર મેં અપના જો સરગવા કા તો પત્તા હોતા હે ઉસકા રસ બના કે હમ ઉસકા જ્યુસ બના કે ભી મેં પીતા હું, ઠીક હે। और पालक का भी जूस वगैरह बना के पीता हूँ। बीच में मेरा एक मेरे को खास करके हार्ट की जो हार्ट रेट थे वो कभी कभी कम ज्यादा हो रही थी, ठीक है। और बीच में हमारा जो सालाना मेडिकल होता है उसमें ईसीजी नॉर्मल नहीं आ रहा था, तो आपका मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा था, यूट्यूब में इसका एक देखा था, तो उसमें ये हार्ट हृदय अमृत करके जो आपका सीरप था वो मैंने ऑनलाइन किसी मेरे दोस्त जा रहा था उससे मैंने मंगवा लिया आपके गुजरात से, ठीक है। अभी इसका सेवन कैसे करना है थोड़ा मुझे बताइएगा प्लीज। ये हृदय अमृत टॉनिक जो है वो आपको दिन में 3-4 बार 2-2 चम्मच आधे ग्लास पानी के साथ लेने हैं। हाँ, और खाली पेट हो सके तब तक लीजिए। अच्छा ये तो ब्लॉकेज काटेगा, लेकिन आप कच्ची घानी का तेल, इसमें कच्ची अलसी का तेल वो भी 3-4 चम्मच आप लो चटनी के साथ, जूस के साथ, सलाद के साथ, या तो खिचड़ी पकाई खा रहे हो तो इसके अंदर डाल के भी आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये जो कच्ची घानी का तेल है ना वो जहर जहर को मारता है, तो खराब कोलेस्ट्रॉल को, ब्लॉकेज को तोड़ने का काम ये कच्ची घानी का तेल अच्छा करता है। सनफ्लावर सीड्स कच्चे वो भी अच्छा काम करते हैं, तो वो है मेरे पास। हाँ तो वो थोड़ा ज्यादा खाइए, आपके ब्लॉकेज कम हो जाएंगे, आप सही खून बना दीजिए। अच्छा खट्टा फल खाओगे तो आपके खून की नलियों में जो कैल्सिनेशन के कारण हार्डनेस आ गई होगी तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो खट्टे की भी आवश्यकता है, कच्ची घानी के तेल की भी आवश्यकता है, हरी पत्ती की भी आवश्यकता है, विटामिन न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता है और विटामिन की भी आवश्यकता है। सर कच्ची कच्ची दानी में हम सर मस्टर्ड ऑयल खा सकते हैं, कच्ची दानी मस्टर्ड ऑयल
लेकिन अलसी का तेल और तिल का तेल ये दो हार्ट के लिए अच्छे है। और हो सकता है तो आप छुट्टी के दिन लीवर क्लींजिंग का प्रयोग कर लीजिए। लीवर क्लींजिंग पर्सनली मैं आपको एक बार वहां के मिलूंगा, उसके बाद में फिर ज्यादा अच्छे से डिसाइड करेंगे। अच्छा, आपने जी, पास जी, चर्चा में काफी टाइम चला गया आपके एक ही प्रश्न में दूसरे के है, तो ये